जी नाजरीन, सलाम नमस्ते। और आज का जो ये हमारा वीलॉग है वो है जब हमने ट्रेवल किया इस्तांबुल में हमारी होटल से इस्तांबुल एयरपोर्ट तक। हमने जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, इसको आप टैक्सी कहें, इसको आप वैन कहें, ये कार भी नहीं थी, ये वैन भी नहीं थी, मगर बहुत ही कंफर्टेबल और ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट थी जिसने हमें होटल से पिक किया बिल्कुल टाइम पर, मुनासिब रेट पर, और हमें जो है वो जाके इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ISP इस्तांबुल एयरपोर्ट है वहाँ पर हमें ड्रॉप किया। और वहाँ से फिर हमारी फ्लाइट थी स्वीडन की तरफ, गोथनबर्ग की तरफ। तो इस वीलॉग में हम आपको इस्तांबुल का एयरपोर्ट दिखाएंगे और एयरपोर्ट के साथ साथ जो एयरपोर्ट में उनका वो फूड कोर्ट है वो भी दिखाएंगे। डेफिनेटली हम जो है वो खाते पीते लोग हैं, खाने पीने का शौक रखते हैं, तो फूड कोर्ट जाना तो बनता है और वहाँ पर अच्छा खाना तो बहुत ही लाजमी है। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे और एयरपोर्ट की जो है वो सैर करवाएंगे। तो आइए देखते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट कैसा है। हम तकरीबन देखें हम पहुंच चुके हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट में और ये जो है बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और हमने अपने गेट वगैरह को देख लिया था कि कहाँ से जाना है और उसके बाद फिर हमने ढूंढना शुरू किया कि फूड कोर्ट कहाँ है। बच्चों के लिए खेलने की जगहें भी बहुत थी, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। उसके बाद फिर हमने फूड कोर्ट देखा और ढूंढा और फूड कोर्ट की तरफ चले। आइए फूड कोर्ट की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी नाजरी, ये अब हम जो है वो फूड कोर्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब कि मज़ा आ गया। मैं आपको क्या बताऊं कि मज़ा ही आ गया। और भूख भी अच्छी खासी लगी हुई थी, सुबह का हमने नाश्ता किया हुआ था। तो फिर वही शुरू हुआ कि किसने क्या खाना है, बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें ली और मैंने और हसीना ने जो है वो सबवे पर जो है वो चिकन तरियाकी वाले जो सैंडविच होते हैं, सैंडविच कह दें उनको, रोल कह दें, वो लिया और इंजॉय किया। उसके बाद जाके अपने गेट पर इंतज़ार करने लगे।